देखते रहिए यूबीएन जीरो एट डुंगासरा नई सराय, महायज्ञ की कहानी, उसमें आग क्यों लगी, देखिएगा संत के मुंह जबानी। राज्य सरपंच बोलो 20,000 रुपए मैंने इससे लाए, भाकर सिंह माल साहब उनसे लाए मैंने कि बाबा इनके नहीं जा पा रहे, उनकी विदा मैं कर रहा हूँ। अब मैं जान रहा हूँ, मैं जा सोच रहा हूँ क्षेत्र वालों में, चलो भगवान ने ऐसा कार्यक्रम करा मैं लाया, हाथ जोड़े एक साल में भगवान बाबा का रो, हे बाबा मेरे चरणों की कृपा हो जाए मेरे गाँव में। मैंने जहाँ से उगा के पैसा ढोंगा से के नाम से था और जो मेरी बेइज्जती कर रहे सब, तो भी मैंने कुछ नहीं कही, क्यों कि जो राजा रानी सब जो क्या बाबा लाओ जो उद्धव कर रहा है, मैं मुखिया आदमी कार के रखे और चार जरे बाव में सोए चाबी जे रखे और तारा कैसे टूटा, 7 करोड़ रुपए था उसमें, चार ही ले गए, 7 करोड़ सात ही ले गए 7 करोड़ रुपए था उसमें। जय 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 7 करोड़ पता उस पेटी पूरा लगाओ ना भाई, बोलो बोले गुरु के, बोलो भाई जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, भगवान के नाम पे अपना कार्य जो होने की वो हो चुका और आज भी जो हुआ है वो भी भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ। इसमें अपन शांति बनाएंगे, जो राजगढ़ों का आगामी नहीं हुआ है वो आज भी करा है, उनको अपने शांति बना के अपन को आनंद करना है, जो जैसा करेगा वो भरेगा। अखबार में कोई बात की मत करो कि अपन भारत ना का हुए, अच्छे करे में बुरो हुए कोई लाभ नहीं, अच्छे करे में बुरो भाव उसको जाओ, उसको जाने में कोई लाभ नहीं है। अपन सनातन धर्म के नाते का कर्म करा है, भगवान के नाम पर अपन ने अच्छा किया, भोजन से प्रसादी से पानी से संतों की सेवा से कोई बात की कमी नहीं आई। अब जा राक्षस लोग दुष्ट लोग उनको वो करे खांगे, अपने शांति बनाने में ही लाभ है, सबसे बड़ी लाभ शांति, शांति से बढ़कर कोई हथियार नहीं है, शांति बनाने में सब दुष्टों को नाश होने का कुछ नहीं, हमें इस पर विश्वास ऐसा है। और वही कर्म के ऊपर हम लोग भगवान के नाम पर काम रोकते हैं, दुष्टों को भरोसे कोई रोकते हैं भगवान के भरोसे, अगर वे भगवान के नाम पर आगे नहीं अनाजी ने भक्त लोग। देखते रहिए UVN 08 न्यूज गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। गुना से 45 किलोमीटर दूर डुंगासरे में आयोजित हुई 1212 कुंडली ब्रह्म महायज्ञ स्थल पर आग लगने से भारी नुकसान हो गया। मौके पर आग बुझाने के लिए साधन नहीं होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना की लेकिन समय पर नहीं पहुंची। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए।